दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है तो आप में से कई लोगों का जवाब होगा 8.8 किलोमीटर। पर जिनको इसका आंसर नहीं पता वो आसानी से इसको गूगल कर सकते हैं। पर क्या कभी आपके मन में ये सवाल आया कि आखिर हम इतने बड़े माउंटेंस की ऊंचाई को कैसे नापते हैं? इसके अलावा एक और सवाल, आज के समय में हम लोग बड़े आसानी से एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक एरोप्लेन्स के द्वारा ट्रैवल कर सकते हैं, और इन एरोप्लेन्स को रास्ता हमारा नेविगेशन सिस्टम दिखाता है, और ये नेविगेशन सिस्टम ये डिसाइड करता है कि पायलट को किस एंगल पर प्लेन को उड़ाना चाहिए ताकि वो अपने डिजायर्ड लोकेशन तक जा पाए। पर क्या कभी आपने इन सवालों को जानने की कोशिश की कि आखिर ये नेविगेशन सिस्टम कैसे ये डिसाइड करता है कि प्लेन को किस एंगल और किस हाइट पर उड़ाना चाहिए? तो दोस्तों, इन सभी का जवाब है ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन। ट्रिग्नोमेट्री के ही जरिए हमारे वैज्ञानिक बड़ी आसानी से बड़े बड़े माउंटेंस की ऊंचाई को नाप पाते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलेशन ही हमारे नेविगेशन सिस्टम को चलाने में मदद करती है। नेविगेशन सिस्टम में कई सारे ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलेशन लगातार होते रहते हैं जो प्लेन को सही एंगल, स्पीड और हाइट की जानकारी देते हैं। यही नहीं, मैथमेटिक्स की ब्रांच ट्रिग्नोमेट्री ही वो ताकत है जिसने हमारे पूर्वजों को बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी और टेलीस्कोप की मदद के बिना हमारी पृथ्वी के रेडियस, उसके ऑर्बिट और हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद प्लैनेट्स की पोजीशन के बारे में जानकारी दी। ट्रिग्नोमेट्री लंबे समय से हम इंसानों के इतिहास का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ट्रिग्नोमेट्री की असल खोज और शुरुआत कहाँ से हुई ये तो आज भी कॉन्ट्रोवर्सियल है, क्योंकि कुछ हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस इसकी शुरुआत भारत में बताते हैं, तो कुछ ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत को इजिप्शियंस और बेबीलोन सिविलाइजेशन से जोड़ते हैं। और आज की इस वीडियो में हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और प्रूफ के आधार पर ट्रिग्नोमेट्री की हिस्ट्री को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे मानव की आवश्यकताओं ने एक पूरे मैथमेटिकल ब्रांच को ही जन्म दिया जिसे आज हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। वैसे ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है जो तीन अलग अलग वर्ड से मिलकर बना है, ट्री प्लस गॉन प्लस मैट्री, जिसमें ट्री का मतलब है थ्री, गॉन का मतलब है साइड्स एंड मैट्री का मतलब है मेजरमेंट। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्राइंगल के साइड्स एंड एंगल के बीच की रिलेशनशिप्स को मेजर करते हैं। वैज्ञानिक खोज में मिले प्रूफ्स और एविडेंस हमको ये बताते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत का इतिहास करीब 4500 साल पुराना है, जो कि पृथ्वी की कई महान सभ्यताओं के बीच में फैला हुआ था। चाहे वो एंशियंट इजिप्शियंस हों या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन हो या फिर दुनिया के सबसे प्राचीन सिविलाइजेशन में से एक बेबीलोन सिविलाइजेशन में हो, इन सभी के बनाए गए स्ट्रक्चर्स और मेजरिंग टेक्निक्स में ट्रिग्नोमेट्री का यूज हमको दिखाई देता है। बेबीलोन सिविलाइजेशन और एंशियंट इजिप्शियंस ने तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हुए कई बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को कंस्ट्रक्ट किया, और इनके डेवलपमेंट के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज किया गया था। इसके अलावा इंडिया के कई सारे एंशियंट टेम्पल्स का भी कंस्ट्रक्शन ट्रिग्नोमेट्री के एंगल्स की शेप से ही इंस्पायर्ड बताया जाता है। बेबीलोन सिविलाइजेशन को लेकर तो ये दावा भी किया जाता है कि आज हम समय को नापने के लिए जो 60 मिनट्स और 60 सेकंड नंबर सिस्टम का यूज़ करते हैं वो बेबीलोन सिविलाइजेशन के मैथमेटिशियंस ने ट्रिग्नोमेट्री की मदद से ही तैयार किया था। 19 सेंचुरी में हुई खुदाई के दौरान वैज्ञानिकों को बेबीलोन सिविलाइजेशन के कई एविडेंस में से एक मिट्टी के पत्थर पर बनी एक टेबल मिली, जिसे शुरुआत में तो समझना काफ़ी मुश्किल था, पर एक लंबी रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों को समझ आया कि ये इंसानों द्वारा बनाई गई दुनिया की पहली ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल थी जो करीब 3700 साल पुरानी थी। जिससे ये पता चलता है कि बेबीलोन सिविलाइजेशन के मैथमेटिशियंस ट्रिग्नोमेट्री के बारे में काफ़ी कुछ जानते थे और उनको इसकी काफ़ी समझ थी। इसके अलावा रिसर्च हमको ये बताती है कि एंशियंट इजिप्शियंस ने भी ट्रिग्नोमेट्री में काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट गेन कर ली थी, जो कि इनके द्वारा बनाए गए पिरामिड स्ट्रक्चर्स में साफ साफ दिखाई देती है। एंशियंट इजिप्शियन द्वारा बनाए गए ये पिरामिड को देखते हुए हमें समझ सकते हैं कि वो एंगल्स के बारे में काफ़ी कुछ जानते थे, क्योंकि पिरामिड के सभी बेस के एरिया को उनकी डेवलपमेंट के दौरान बराबर रखा गया था। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आएगा कि पिरामिड 3D ट्रायंगुलर शेप में है, और वैज्ञानिकों द्वारा इन पिरामिड्स पर की गई रिसर्च ये बताती है कि इनका निर्माण आज से 4500 साल पहले किया गया था। इसके अलावा कुछ पुराने एविडेंसेस भी हैं जिसमें एंशियंट इजिप्ट सिविलाइजेशन द्वारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज दिखाई देता है, और इसमें पिरामिड्स को बनाए जाने के लिए
कई इक्वेशंस को भी लिखा गया है। इस एविडेंस का नाम है रिंट पेपायरस। ये पेपर सबसे पहले 1858 में सामने आया। इसमें करीब 84 अर्थमेटिक, एलजेब्रा एंड ज्योमेट्री प्रॉब्लम का एक कलेक्शन मौजूद है जो एंशियंट इजिप्शियंस मैथमेटिशियंस की मैथमेटिक्स एंड ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज को दिखाता है। ये भी करीब 1550 BC पुराना है, यानी कि आज से करीब 3500 साल पुराना इसको बताया जाता है। इसमें लिखी हुई इक्वेशंस और प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर वैज्ञानिकों को कई ऐसे एविडेंस मिले हैं जो शायद उस समय एंशियंट इजिप्ट के मैथमेटिशियंस ने पिरामिड की मेजरमेंट के लिए यूज़ किए होंगे। इस एविडेंस में लिखी हुई कुछ इक्वेशन हमें बताती हैं कि उस समय कैसे एंशियंट इजिप्ट मैथमेटिशियंस राइट एंगल ट्राइंगल का यूज़ करके पिरामिड की बाउंड्रीज को नापते थे। इसके अलावा इसमें कई इक्वेशंस में कॉन्स्टिलेशंस और स्टार्स की लोकेशन के बारे में भी बताया गया है। पर ट्रिग्नोमेट्री की सबसे पहली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेस्ड टेबल हेलेनिस्टिक मैथमेटिशियन हिपार्कस नेम के ग्रीक एस्ट्रोनॉमर द्वारा 150 BC में बनाई गई थी और हिपार्कस को ही आज फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। हिपार्कस ने अपनी दी गई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेस्ड टेबल में ट्राइंगल्स के एंगल्स को हल करने के लिए साइन फंक्शन का यूज़ किया था। अब कई रिसर्च और एंशियंट एविडेंस में सामने आया है कि एंशियंट श्रीलंका के राज्य अनुराधापुर में वाटर रिजर्वियर के डेवलपमेंट के दौरान वाटर स्लोप की मेजरमेंट के लिए 4th BC में ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता था। इसके अलावा 499 AD में हमारे इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने अपनी आर्यभट्टीय बुक में मैथमेटिक्स के कई सारे नई इक्वेशंस और फॉर्मूले के साथ कोसाइन टेबल्स भी दी। आर्यभट्ट द्वारा 5th century के दौरान एस्ट्रोनॉमी में की गई मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड फॉर्मूलेस पर लिखी हुई किताब सूर्य सिद्धांतम में ट्रिग्नोमेट्री के साइन थीटा एंड कॉस थीटा का भी जिक्र देखने को मिलता है, जिसमें साइन थीटा को जाया एंड कॉस थीटा को कोजाया लिखा गया है। इसके अलावा सूर्य सिद्धांता के चैप्टर 3 में सबसे पहले टेन थीटा एंड सेकेंड थीटा का भी यूज़ हुआ है। सूर्य सिद्धांता पूरी तरह से संस्कृत में लिखी गई है, जिसमें आर्यभट्ट ने कई श्लोकों में टेंजेंट एंड सेकेंड का यूज़ किया हुआ है। सूर्य सिद्धांता में आर्यभट्ट ने कई अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के एंगल्स और हाइट को मेजर करने के लिए कई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को यूज़ किया है। एग्जाम्पल के लिए सूर्य सिद्धांता में संस्कृत में लिखे हुए एक श्लोक में लाइट में शंकु यानी कोनिकल की शैडो की हाइट मेजर करने के लिए s=g sin θ / cos θ यानी कि g tan θ का फॉर्मूला दिया है, जिसमें g ऊंचाई है एंड s शैडो की लंबाई है। इसके अलावा और भी कई फॉर्मूले हैं जिसमें मेजरमेंट एंड प्रिडिक्शन के लिए आर्यभट्ट ने कई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस का यूज़ किया है, जिसमें से कई सारे फॉर्मूलेस को तो हम अपने स्कूल्स एंड कॉलेजेस में भी पढ़ते हैं। अब 10वीं शताब्दी में फारसी मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर अब्बुल वाफा ने टेंजेंट फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स की मेजरमेंट के बेहतर तरीकों की शुरुआत की। उन्होंने एंगल्स के बीच की रिलेशन को एस्टेब्लिश करते हुए कई स्पेरिकल ज्योमेट्री के लिए ट्रिग्नोमेट्री के कई साइन फॉर्मूले की खोज की, जैसे कि sin A / sin A = sin B / sin B = sin C / sin C। इसके अलावा 10th and 11th century के अंत में इजिप्ट के एस्ट्रोनॉमर इब्न यूनस ने कई ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन की और फॉर्मूलेस को भी निकाला, जैसे cos A (cos B) = cos A + B + cos A - B/2। नाउ 1150 में हमारे ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन भास्कर द्वारा किसी भी एंगल के लिए जया यानी साइन की एक टेबल बनाने का एक डिटेल मेथड दिया गया था। साथ ही कुछ साइन एंड कोसाइन फॉर्मूलेस भी दिए गए थे। भास्करा ने स्पेरिकल ट्रिग्नोमेट्री को डेवलप किया। स्पेरिकल ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें स्पेरिकल ट्रायंगल की स्टडी की जाती है, जिसकी मदद से स्टार्स और प्लैनेट्स की स्पीड और ऑर्बिटल रोटेशंस की कैलकुलेशन की जाती है। इसके अलावा आज के समय में भी स्पेरिकल ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ नेविगेशन और सैटेलाइट ऑर्बिट में काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। भास्करा के बाद 13th century के दौरान फारसी नासर अल्दीन तूसी पहले मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री को एक डिस्टिंक्ट मैथमेटिकल डिसिप्लिन में यूज़ किया और क्वाड्रिलेटरल पर लिखी अपनी एक बुक में स्पेरिकल ट्रिग्नोमेट्री में एक राइट एंगल ट्राइंगल के 6 अलग अलग केसेस की टेबल भी दी। इसके बाद भी समय समय पर कई अरेबिक और यूरोपियन कंट्रीज के मैथमेटिशियंस और एस्ट्रोनॉमर्स ने ट्रिग्नोमेट्री में अपना काफ़ी योगदान दिया और इसी तरह से उस ट्रिग्नोमेट्री का जन्म हुआ जिसे आज हम अपने स्कूल्स एंड कॉलेजेस की मैथमेटिक्स की बुक्स में पढ़ते हैं। वैसे आपके मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि आज के समय में
ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है, तो चलिए इसके जवाब को जानते हैं। तो दोस्तों, अगर आप गूगल मैप्स का यूज़ करते हो तो मैं आपको बता दूँ कि गूगल मैप्स में नेविगेशन सिस्टम को चलाने के लिए जिस एल्गोरिथम का यूज़ होता है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के द्वारा लोकेशन की दूरी को नापा जाता है। इसके अलावा पानी के जहाज़ में सफ़र करने के लिए जिस नेविगेशन सिस्टम को हम यूज़ में लेते हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर ही डिपेंड करता है। और हमारी आर्मी द्वारा यूज़ होने वाले हथियारों में भी टारगेट मेजरमेंट के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड फार्मूलेस के ही जरिए हम लोग लोकेशन को लॉक करते हैं एंड इससे हमारा टारगेट लॉक हो पाता है। यही नहीं, स्पेस में हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सन के चारों ओर घूम रहे प्लैनेट्स, उनकी स्पीड और ऑर्बिट्स की कैलकुलेशन में भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ पूरी तरह से होता है। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की यूज़ से ही हम पृथ्वी से भेजे जाने वाले स्पेसक्राफ्ट का हम एक रूट तैयार करते हैं जिसके कारण वो किसी और ग्रह के ग्रेविटेशनल पुल से बचकर अपनी यात्रा को आसानी से कर पाता है। इसके अलावा एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इन सब की स्टडी में भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज़ होता है। फिजिक्स की हर एक डेरिवेशन में कहीं ना कहीं हम ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ में लेते हैं। ऑप्टिक्स, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, स्टैटिस्टिक्स, बायोलॉजी, मेडिकल इमेजिंग, फार्मेसी, केमिस्ट्री, नंबर थ्योरी, सीस्मोलॉजी, मीटियोरोलॉजी, इन सभी की स्टडी में भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को यूज़ में लेते हैं। यानी जितना हम ट्रिग्नोमेट्री को जानते हैं रियल लाइफ में उसका यूज़ उससे भी ज़्यादा है। ट्रिग्नोमेट्री ने मैथमेटिक्स के साथ साथ हमारी साइंस की समझ को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया है और जिसके जरिए आज के समय में हम काफ़ी बड़ी और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को काफ़ी आसानी के साथ कर पाते हैं। तो दोस्तों, आई होप आज की इस वीडियो में आपको ट्रिग्नोमेट्री की हिस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डेफिनेटली अपने वैल्यूएबल कमेंट हमको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई वीडियोस और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएँ।